हाय चेंज मेकर्स, तो आज हम बात करेंगे कैसे फेलोशिप के जिसमें कि आप अपने पॉलिसी, पॉलिटिक्स और पब्लिक गवर्नेंस के बारे में सीख भी सकते हैं, और सीखने के साथ साथ आप एक ऐसे लोगों के साथ काम करोगे जो डायरेक्ट पॉलिसी में काम करते हैं, जो डायरेक्ट गवर्नेंस में काम करते हैं, जो डायरेक्ट पब्लिक अफेयर्स में काम करते हैं। हम बात कर रहे हैं मुखर्जी फेलोशिप, जिसका 2024-25 बैच के एप्लीकेशन आ चुके हैं। इस फेलोशिप में कोई भी ग्रेजुएट जो फाइनल ईयर में हो या फिर ग्रेजुएट हो गए हो वो अप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी एक्सपीरियंस के इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस फेलोशिप के बारे में डिटेल में बात करेंगे, इस फेलोशिप के एफएक्यूज कवर करेंगे, बेसिक एज क्राइटेरिया से लेकर सब कुछ, और एप्लीकेशन आपको कैसे भरना है, क्योंकि एप्लीकेशन ही वो की होता है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होता है। तो एप्लीकेशन कैसे भरना है उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो वेलकम टू द स्टेप एट इंडिया चैनल, जहाँ पे हम लोग सोशल डेवलपमेंट सेक्टर और इंडिया में निकलने वाले ऑलमोस्ट सारे फेलोशिप कवर करते हैं, और फेलोशिप कवर करने के साथ साथ उनकी प्रिपरेशन भी कराते हैं, राइट। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि सालों से ना लैम फेलोशिप चल रहा है, ठीक है, जिसमें वो एमपी के साथ आपको रखते हैं, और वहां पे आप पॉलिसी, गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, उन सब के बारे में एक्सपीरियंस करते हैं। सिमिलर लाइन पे थोड़ा यूनिक फेलोशिप है पॉलिसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस फाउंडेशन का, नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च सेंटर के कोलाबोरेशन में, ऐसे यंग प्रोफेशनल के लिए जो हैंड्स ऑन पॉलिसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का एक्सपीरियंस चाहते हैं, ठीक है। तीनों चीजें अलग है। पॉलिसी मतलब जो भी जो जितने भी पॉलिसी देश भर में बन रही है वो कैसे बनती हैं, क्योंकि इन्हें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं, राइट। वो पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे होती है वो भी आप देश समझेंगे। देन पॉलिटिक्स, क्योंकि ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होते हैं, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो आप समझोगे। एंड देन गवर्नेंस की बात आती है, जहां पे क्या गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करता है ग्राउंड पे वो समझोगे। तो इसमें होगा क्या, आप अपने आप को जो बेसिक टूल होते हैं, ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, इलेक्टेड मतलब एमएलए एमपी के साथ आपको रखा जाएगा, जो बेसिक टूल होते हैं वो आप लर्न करोगे, आप उनके साथ एक्सपीरियंस गेन करोगे काम करते हुए। एंड देन ये फेलोशिप 12 महीने का है, इस 12 महीने के फेलोशिप के बाद आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव के साथ या दूसरे किसी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें आपके थ्योरेटिकल लर्निंग मॉड्यूल है और एक्सपीरियंस लर्निंग मॉड्यूल है। 1.5 महीने का थ्योरेटिकल लर्निंग मॉड्यूल है, 1.5 महीने आपको सिखाया जाएगा कैसे काम करना, और 10.5 महीने आप एक्सपीरियंस करोगे ग्राउंड पे, ठीक है, एमपीज के जो ऑफिस है वहां पे। ये सब आप डिटेल में यहाँ से पढ़ सकते हो टेस्टिमोनियल्स। हम लोग सीधे चलते हैं एफएक्यूज पे। आप कौन अप्लाई कर सकता है, जो भी फाइनल ईयर के ग्रेजुएट हो या फिर जिसने ग्रेजुएशन कर लिया हो वो इसमें आप अप्लाई कर सकते। अगर कोई इसका जो एज क्राइटेरिया है वो एज क्राइटेरिया आपका 25 साल से कम की उम्र का होना चाहिए, इन्होंने डेट भी दे दिया है। 50,000 पर मंथ का आपको स्टाइपेंड मिलेगा, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। अब इसमें ये है कि ये फुल टाइम फेलोशिप है, तो आप कोई भी दूसरा एकेडमिक एंगेजमेंट या प्रोफेशनल एंगेजमेंट नहीं कर सकते, तो आपको फुल टाइम यहाँ पर रहना पड़ेगा। दूसरा है कि जो भी लोग कंप्लीट करेंगे इस फेलोशिप को ना, उनको एक सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो भी प्रोफेशनल इसको कंप्लीट करेंगे उनका एक चांस होगा कि जहां पे वो काम कर रहे हैं ना वहां पे कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है, वर्किंग कंटिन्यू हो सकता है। इसके साथ साथ इनका ना एक आईसीपीसी इंटर्नशिप भी है, तो जो लोग ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर या ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है वो लोग उसमें अप्लाई कर सकता है। कुछ और क्वेरी है तो इसमें आप डाल सकते हो। हम लोग चलते हैं सीधे के सीधे एप्लीकेशन पर। सबसे पहले आपका ईमेल आईडी मांगता है, फिर आपके बेसिक डिटेल्स हैं, ठीक है। मैं जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कुछ भी भर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको मैं इसको पूरा आगे बता पाऊँ। सो परमानेंट और आपका जो प्रेजेंट, दोनों एड्रेस ये मांगेंगे, ठीक। मेन ये है कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर जस्ट डमी आपके सामने भर रहा हूं ताकि आपको ये आइडिया आ जाए कि आपको कैसे भरना है, ठीक। यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर डालना है,
यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, ठीक। देन आपका यहाँ पे होम स्टेट हो जाएगा, कोई भी भर दे रहा हूँ। देन आप यहाँ पे लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, कौन कौन से लैंग्वेज आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, देन कौन सी लैंग्वेज आप बोल सकते हो। फिर आपके सोशल मीडिया के प्रोफाइल आ जाएंगे आपके, ठीक है, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, आपका ट्विटर प्रोफाइल और फेसबुक प्रोफाइल। नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, नहीं तो उनके लिंक आ जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाएगा आपका, ठीक है, कि आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। फिर आपका नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आ जाएगा, फिर आपकी डिग्री आ जाएगी, फिर आपका जो डेट ऑफ कंप्लीशन है वो आ जाएगा। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अपना डेट ऑफ कंप्लीशन डाल दिया, जस्ट मैं तो फॉर एन एग्जाम्पल ही भर रहा हूँ, ठीक। डेट ऑफ कंप्लीशन का मतलब ये है कि आपका जो फेलोशिप प्रोग्राम है, आप फाइनल ईयर में हो, मतलब आपका जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम है वो कंप्लीट होना चाहिए इस फेलोशिप प्रोग्राम के खत्म होने से पहले, मतलब स्टार्ट होने से पहले, ठीक। आगे का डिटेल आप भर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग के दो चीजें हैं, इसी के लिए पूरा फॉर्म हम लोग भरने की कोशिश कर रहे हैं। पहला है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक। इसमें आपके तीन क्वेश्चन कवर होने चाहिए। एक्सप्लेन योर इंटरेस्ट इन द प्रोग्राम, डिस्क्राइब हाउ दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू टू अचीव एनी फ्यूचर प्लान्स, एंड डिस्क्राइब हाउ यू विल एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट थ्रू दिस प्रोग्राम, राइट। तो तीन क्वेश्चन को आपको इसमें अपने एसओपी में कवर करना है और उसके मिला के आपको 500 का एसओपी लिखना है। तो हम लोगों ने अपने चैनल पे, आप देखेंगे तो कई सारे एसओपी की बात की है। आप अगर यहाँ जाओगे और यहाँ पर डालोगे कि एसओपी राइटिंग क्या होता, तो हम लोगों ने अलग अलग फेलोशिप में, ठीक, स्टेटमेंट, जैसे नेहरू फेलोशिप का मोस्टली आपको बहुत अचर्ज कर रहा है क्योंकि लगभग इसी तरह का फेलोशिप है, फिर यूपी गवर्नमेंट की फेलोशिप, फिर निपुण प्रोफेशनल जो हमारा एमपी में आया था उसका, उसके फेलोशिप का भी हम लोगों ने यहाँ पे एसओपी कवर किया हुआ है। तो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो, बट मोटा मोटा मैं आपको यहाँ पे एक ब्रीफ दे देता हूँ। आपको क्या करना है, पहले 100 वर्ड्स में आपको अपने आप को एक्सप्लेन करना है कि आप क्या है, आपका अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने कितना काम किया और आपका इंटरेस्ट। सेकेंड 100 में आपका इंटरेस्ट क्यों है इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम को पढ़ते समय आपको क्या आया दिमाग में, राइट। आपने क्या सोचा कि ये प्रोग्राम मेरे लिए क्यों इंटरेस्टेड है, कुछ तो इंटरेस्ट आया होगा। देन अगले 100 वर्ड्स में और 150 वर्ड्स में आपको ये लिखना है कि यार आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपको क्यों करना है ये प्रोग्राम, ठीक है। हो सकता है आप बोला हो कि मेरे को पॉलिसी में जाना है, पब्लिक पॉलिसी में जाना है, मेरे को गवर्नेंस में जाना है, तो मेरे को सीखना है इस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें होती है, ग्राउंड पे कैसे काम करते हैं। हो सकता है आपको पॉलिटिक्स में जाना है और आपको ग्राउंड पे समझना है कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, एंड देन आपको ये समझाना है लास्ट में कि ये प्रोग्राम आपको हेल्प कैसे करेगा। मान लीजिए मैंने बोला कि यार मैं अभी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको, 500 वर्ड में लिखना है, मेरा इंटरेस्ट है पब्लिक पॉलिसी में और ये जो प्रोग्राम है ना वो मुझे पब्लिक पॉलिसी की बारीकियां समझाएगा, कैसे पॉलिसी फ्रेम होती है, कहाँ से नीड अराइज होती है, ऑल दैट। तो इस तरह ही प्रोग्राम मुझे हेल्प करेगा, मोटा मोटा इस तरह का ओवरव्यू आपके पूरे एसओपी से आना चाहिए। पूरा एसओपी जो है वो आपके अपने पर्सनल डिटेल्स पर आधारित रहेगा, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें या बहुत चैट जीपीटी या कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करना, रिजेक्ट हो जाएगा। एंड देन आपका ये आपको रिज्यूम यहाँ पे अपलोड करना है। रिज्यूम के बारे में भी अगर आप यहाँ डालोगे तो सीवी या रिज्यूम डाल दोगे, तो हम लोगों ने कई सारे सेशन किए, ठीक, कैसे आप अपना अच्छा रिज्यूम बनाए, कैसे अच्छा सेशन आप प्रोफेशनल सीवी कैसे बिल्ड करें एंड ऑल दैट, तो उसको आप वहां से देख के अपना अच्छा रिज्यूम बना के यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। एक कॉपी, एक लास्ट में एक ऑप्शन है सेंड मी अ कॉपी, आप जरूर ले लेना क्योंकि आपके अपने रेफरेंस के लिए, रिकॉर्ड पर्पज के लिए हो जाएगा, ठीक। तो आप अप्लाई करिए, ये अच्छा फेलोशिप है और इस फेलोशिप में आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगा। इनसे पहले भी एक बैच ऑलरेडी पहले आ चुका है जिसके बारे में हम लोगों ने वीडियो बनाया था। बाकी इस तरह के फेलोशिप और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में, सोशल सेक्टर में आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो, और हम धीरे धीरे जिस तरह के भी अपॉर्चुनिटीज आते रहेंगे हम लोग आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन और प्रिपरेशन की मेंटरशिप प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, डू अप्लाई। अगर कोई चैलेंज आता है आपको तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो, सामने नंबर दिया। Thank you so much.